तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई शिक्षा पॉइंट पर। तो बच्चों, पिछली वीडियो में जो है हमने कक्षा 8वीं का जो अध्याय दूसरा दे रखा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी प्रश्नावली 2.4 के पहले, दूसरे और तीसरे सवाल को हल किया था। तो अब जो है हम चौथे सवाल को हल करते हैं, जो कि एकदम सरल। तो और बच्चों, अब हम देखते हैं इसके चौथे सवाल को, जो कि यहाँ पर बोला है, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक संख्या दूसरे का 3 गुना है, तो इसके अंकों के स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या है दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम सरल, एकदम आसान है। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर बोला है दो अंकों वाली दी गई एक संख्या, तो दो अंकों वाली संख्या कौन सी होती है? जैसे यहाँ पर मैं 72 लिख दिया, 18 और 27 लिख दिया, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये पहला अंक, ये दूसरा अंक। ठीक है, तो यहाँ पर कुल अंक संख्या भले ही 72 है, पर यहाँ पर अंक कितने दे रखे हैं? दो अंक दे रखे हैं। ये हो गया हमारा इकाई का अंक और ये हो गया दहाई का अंक। बात समझ में आई? ये तो इकाई का अंक है और ये दहाई, इसमें भी सेम वही चीज़ है, ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये पहला अंक और ये दूसरा अंक, इधर वाला इकाई का, इधर वाला दहाई का, ये वाला इकाई का अंक और ये वाला दहाई का अंक। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या है कि दो अंकों वाले दी गई संख्या में एक अंक जो है दूसरे का 3 गुना है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, माना एकदम सरल है बच्चों, माना माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हम यहाँ पर क्या मानेंगे, बोलो बच्चों? इकाई का अंक मैं यहाँ पर एक्स मान लिया, उसके बाद यहाँ पर मान रहा हूँ दहाई का अंक। तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों? दहाई का अंक हो जाएगा, क्योंकि जो एक अंक है, ठीक है, एक अंक जो है दूसरे का 3 गुना है, तो ये अगर एक्स है तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना, यानी कि 3x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राप्त संख्या आएगी, ये जो अंक हमने माना है इकाई के अंक और दहाई के अंक को, इससे जो हमारे पास में प्राप्त संख्या आएगी वो कितनी होगी? ध्यान दो, वो होगी 3x(10) + में x(1)। अब ये ऐसे कैसे हो गया? तो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये 72 दे रखा है, तो इन दोनों अंकों को मैं जोड़ूँ तो ये तो 9 ही हो रहा है। ठीक है, अगर अलग अलग करके जोड़ा तो ये तो 9 ही हो रहा है। अब ये दहाई का अंक है, यानी कि इसकी गुणा 10 के साथ करनी पड़ेगी, और ये इकाई का अंक है तो इसकी गुणा 1 के साथ करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? तो इसी फॉर्मेट को मैं यहाँ पर अप्लाई किया हूँ। ठीक है, तो अतः प्राप्त संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 3x की गुणा 10 से होगी, ये हो जाएगा हमारा 30x + में x = में कितना होगा? 31। तो प्राप्त संख्या हमारे पास में कितनी आएगी? 31x आ गई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। बच्चों, ठंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लग रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है हमें कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, ठीक है, इसके अंकों के स्थान बदलकर, तो ध्यान दो, ये तो हमारा दहाई का अंक है और ये है इकाई का अंक। अब इनके स्थानों को हम क्या कर देंगे? आपस में बदल देंगे, यानी कि इकाई के अंक को दहाई के अंक की जगह पर लाएंगे और दहाई के अंक को इकाई के अंक की जगह पर लाएंगे। तो किस प्रकार से ये बनेगा? ये हो जाएगा x(10) + में 1(3x)। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पर कि संख्या के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या जो है, यानी कि ये जो संख्या है दी गई संख्या में जोड़ने पर, यानी कि इसी संख्या को दी गई संख्या में, अब दी गई संख्या पर कितनी है जो हमने मानी थी वो कितनी है? 31x। इसमें इसको जोड़ने पर, जब इसको हम जोड़ते हैं, 31x को इसमें जोड़ते हैं, तो हमें संख्या कितनी प्राप्त होती है? 88 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 88 प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, तो ये कितना हो जाएगा? 10x + में जब हम 1 की गुणा 3x के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 3x + में 31, 31x = में 88 हो गया। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये x और 3x कितना हो गया? x और 3x हो गया हमारे पास में 13x। 13x में अगर हम 31x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 44x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर कितना पड़ा हमारे पास में? 28 है। अब x बराबर में, अब ये जो 44 दे रखा है ये x के साथ में गुणा में, और जब गुणा में कोई संख्या रहती है तो जब हम उसको पक्षांतरित करते हैं तो वो भाग में चली जाती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 88/44, तो x बराबर है। अब देखो, ये एक बार में कट गया और ये 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में? 2 आ गया। लेकिन हमें x का मान नहीं ज्ञात करना, हमें जो है संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने संख्या क्या मानी थी? 31 एक्स आया था ना, तो इस एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे? इस 2 का मान रख देंगे। ठीक है, इस एक्स की जगह पर क्या रख देंगे? इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर रखो 31 x x = में कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। समझ में आई बात? अभी ये देखो, एक अंक जो है, यानी कि ये 2 है और इसका 3 गुना इसका दूसरा अंक है। समझ में आई बात? तो अतः प्राप्त संख्या कितनी है, बोलो बच्चों? अतः प्राप्त संख्या जो है वो 62 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली यह है कि अगर आप
यहाँ पर जो है इकाई के स्थान पर दहाई के अंक लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप पहले मान सकते हैं कि दहाई का अंक बराबर में x, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि ये जो 62 है यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक संख्या जो है, ठीक है, ये जो संख्या है इसकी 3 गुनी है, ये जो संख्या है इकाई का अंक ये इसका क्या है 3 गुना। बात समझ में आई? तो ये दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पधारे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ऐसी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए, और इसी प्रकार से सभी प्रश्न उत्तरों को सही तरीके से सही ढंग से करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।